69वां स्वतंत्रता दिवस समारोह देश के 125 करोड़ नागरिकों के लिए एक खास मौका रहा। यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है और यह टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की बृहद टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। और इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वह ये 125 करोड़ की टीम इंडिया के कारण है और टीम इंडिया के आभारी है। भाइयों बहनों, मैं आज तिरंगे झंडे की साक्षी से बोल रहा हूं, लाल किले की प्राची से बोल रहा हूं, 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को समझ करके बोल रहा हूं। 15 महीने हो गए आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है, उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और मैं मेरे देशवासियों, आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा, यह आपको मैं कहने आया। 125 करोड़ देशवासी अपने जीवन में 2022 भारत की आजादी के 75 साल हम भी एक संकल्प करें, हर नागरिक एक संकल्प करे कि मैं देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए इस काम को करूंगा। एक बार मेरे 125 करोड़ देशवासी एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े तो 2022 का जब सवेरा होगा 15 अगस्त का, हमारे देश के लिए मर मिटने वाले आजादी के सैनिकों, उनकी आत्मा जब देखेगी तो देश ने 125 करोड़ संकल्पों को पूरा किया होगा, 6 लाख गांवों ने 6 लाख सपनों को पूरा किया होगा, शहरों ने, महानगरों ने, सरकार के हर विभाग ने, सरकार की हर इकाई ने एक एक संकल्प लेकर के अभी से जुड़ जाना है। और हमारा कोई लिटरेचर ऐसा ना हो, हमारी कोई बात ऐसी ना हो जिसमें 2022 15 अगस्त को दोहराया ना जाए, जिसमें आजादी के 75 साल का संकल्प दोहराया ना जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।